ओके, तो हम लोग एक्चुअली क्या पढ़ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी सिंगल ड्रॉ कॉन्सेप्ट। ठीक है, अच्छा सिंगल ड्रॉ कॉन्सेप्ट में हमारा क्वेश्चन कैसे आता है चलो देखते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा, मान लो एक बॉक्स है, मेनली ये हम लोग जो कर रहे हैं बल और बैग वाला कॉन्सेप्ट, मतलब एक बॉक्स है ठीक है, वो बॉक्स में कितने कितने से बॉल्स हैं, कौन से कलर के हैं, ये सब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एक बॉक्स है जिसमें रेड कलर के बॉल्स हैं 500, व्हाइट कलर के हैं 8, ग्रीन कलर के हैं 4, ये क्वेश्चन में लिख रहा हूँ ठीक है। अच्छा तो पूछा है, पूछा क्या है कि बताओ प्रोबेबिलिटी क्या होगा, पहला रेड का और दूसरा व्हाइट का। क्या मतलब है इसका, सिंगल ड्रॉ कॉन्सेप्ट, मतलब यहाँ पे रेड है 5, व्हाइट है 8, ग्रीन है 4, मतलब टोटल यहाँ पे कितने हो गए, फिर टोटल हो गए 17 है कि नहीं। टोटल 17 में से तुम रेड निकालोगे, रेड कितने ठो है ना, 5 ठो, आउट ऑफ कितना 17। अच्छा यहाँ पे निकालोगे मतलब चूज करोगे, एक बैग में बहुत सारी चीजें होगा उसमें से तुम चूज करोगे, यानी कि कैसे लिखा जाता है इसको, 5C1 एक चूज करोगे आउट ऑफ 17C1। अच्छा ये C1 का मतलब क्या हो गया, मतलब 5 को एक बार लिखो और 17 को एक बार लिखो, ये आ गया 5/17। और वैसी तरह फाइट कितने हैं हमारे पास ना, 8/17। सो दिस इज द आंसर, मतलब अगर पूछा जाए कि टोटल है इतने और उसमें से तुमको एक रेड निकालना है, एक रेड, टोटल रेड कितने हैं 5 है, 5 में से कितना निकालोगे, एक निकालोगे, टोटल कितना है 17, 17 में से कितना निकालोगे, एक निकालोगे ठीक है।